तो अभी घर जाके दिखाता हूँ आपको कि स्पाइकी में क्या हुआ है, मतलब कि जो डिस्क आती है उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है जो कि मेरी लापरवाही का नतीजा है। गाइस देख ही सकते हो यार ब्रेक पैड की हालत, और ये जो फ्रंट ब्रेक पैड था, मतलब कि जो इस साइड लगता है ये वाले साइड, वो वाला तो पूरा घिस गया है। इसमें तो थोड़ी भी अभी जान बाकी है और ये तो पूरा घिस गया है, जिस वजह से पूरा मेटल देखो। तो ये देखो डिस्क की हालत क्या हो गई है। सो ब्रेक पैड की वजह से डिस्क घिस रही थी यार। तो हेलो गाइस, अभी हम जा रहे हैं अपना स्पाइकी का एक पार्ट लेने, एक या दो में भी, और उसमें आ गई है थोड़ी सी प्रॉब्लम। सो अभी देखो एक्टिवा लेके जा रहे हैं हम लोग अनिल भाई की, और अभी हम पहुंचने ही आए हैं, बट मैंने सोचा कि ब्लॉग शूट कर लूँ। पहले करने की इच्छा तो नहीं थी, बट अभी कर रहा हूँ। सो अभी उसका एक पार्ट लेते, बताऊँगा घर जाके कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो फटाफट से लेते हैं अभी स्पाइकी का एक पार्ट और फिर चलते हैं घर पे। हमने ले लिए अपने स्पाइकी के लिए स्पेयर पार्ट, और ये अपने अनिल भाई के दोस्त आए और लिए हैं हमने यहाँ से कृष्णा ऑटो पार्ट्स। तो फटाफट से चलते हैं अभी घर और इसको करवाते हैं फिटिंग पहले, और दिखाता हूँ आपको ब्रेक डिस्क की हालत क्या हुई है मेरी। तो फटाफट से चलते हैं अभी घर। तो अभी फाइनली घर पे पहुँचने आए हैं और थोड़ी देर में घर पहुँच जाएंगे। तो अभी घर जाके दिखाता हूँ आपको कि स्पाइकी में क्या हुआ है, मतलब कि जो डिस्क आती है उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है जो कि मेरी लापरवाही का नतीजा है। तो फटाफट से अभी चलते हैं घर, उसके बाद दिखाता हूँ। सो फाइनली गाइज आ गए घर पे, और ये रही अपनी स्पाइकी, और अनिल भाई जा रहे हैं अभी। तो मिलते हैं अनिल भाई आपको, और मैं दिखाता हूँ आपको अभी कि क्या हुआ रही हमारी स्पाइकी में। गाइज हमारी स्पाइकी है बहुत ही गंदी, और अभी इसको नहलाने आए हैं। तो विशाल भाई हमारी स्पाइकी को चमकाएंगे अभी नहला के। तो फटाफट से इसको नहला देते, उसके बाद डालते हैं ब्रेक पैड और दिखाता हूँ कि डिस्क की हालत क्या हुई है। तो फटाफट से अभी इसको नहला दें। तो गाइज फाइनली अपनी स्पाइकी ने नहा लिया है, और ये देखो मेरी डिस्क की हालत, क्योंकि ये मेरी लापरवाही का नतीजा है। ये देख सकते हो पूरा ब्रेक पैड टच हो गया है, जो कि उसमें आता है वो रबर जैसा सिंथेटिक आता है, क्या आता है पता नहीं, वो घिस गया है पूरा। सो अभी देखो इसकी वजह से ये मतलब घिस रही थी डिस्क, और दिख रहा है पूरा कि डिस्क घिस रही है। तो फटाफट से अभी दूसरे ब्रेक पैड लेके आते हैं और उसको बदलते हैं, फिर आपको मिलते हैं। गाइस देख ही सकते हो यार ब्रेक पैड की हालत, और ये जो फ्रंट ब्रेक पैड था, मतलब कि जो इस साइड लगता है ये वाले साइड, वो वाला तो पूरा घिस गया है। इसमें तो थोड़ी भी अभी जान बाकी है, और ये तो पूरा घिस गया है, जिस वजह से पूरा मेटल देखो, मेटल दिख रहा है उसका। सो अभी क्या करें यार, देख सकते पूरा क्या पूरा घिस गया है, और ये हमने डाल दी है अपने नए ब्रेक पैड एकदम बहुत ही मस्त। अभी ब्रेक अच्छी काम करेगी, और डिस्क की हालत दिखा देता हूँ। ये देखो डिस्क की हालत क्या हो गई है। सो ब्रेक पैड की वजह से डिस्क घिस रही थी यार, और डिस्क का खर्चा बहुत ही तगड़ा आता है, तो बड़े खर्चे से बच गए हम लोग। और इसको फेंकते हैं यहाँ पे, और अभी हाँ आगे का भी चेक कर लेते हैं, वरना लोचा हो जाएगा। आगे का तो अभी है, आराम से चल जाएगा और एक महीना, उसके बाद डलवाएंगे। सो अभी देखते हैं कि चेन सर्विस कराने जाते हैं या नहीं जाते। सो अभी हाथ वाथ धो लेते हैं, क्लीन हो जाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। इस स्पाइकी को लेकर आ गए हैं थोड़ा चिल करने, और यहाँ पे चिल कर रहे हैं हम लोग। सो अभी इसकी डिस्क देख के मुझे थोड़ा यार बुरा लग रहा है, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं रखा, और नया ब्रेक पैड अभी थोड़ा काम कम कर रहा है, क्योंकि अभी 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 डाला है, तो ब्रेक की पंपिंग करना अभी बाकी है। सो छील भी करते हैं और पंपिंग भी करते हैं, दोनों साथ में करते हैं।
और देख सकते हो यार कुचुर कुचुर आवाज आ रही है इसमें। सो इसकी चेन भी काफ़ी ज़्यादा लूज हो गई है। सो अभी देखते हैं, हो सकेगा तो जाएंगे, वरना फिर दूसरे ब्लॉग में ले लेंगे आई थिंक, और अगले ब्रेक पर अभी महीना चल जाएगा एक। सो इसको अभी ख़त्म करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो गाइस पहले जैसी अपनी ब्रेक बाइट आने लगी, मतलब कि पहले जैसी अपनी ब्रेक हो गई है। सो अभी और कुछ ज़्यादा ही मतलब प्यारी ब्रेक बाइट आ रही है पहले से। सो अभी मेरे को इसका खर्चा पड़ा अराउंड 200 रुपये। अगर आप कंपनी में जाएंगे, यही काम कंपनी में करवाएंगे, तो आपको 400 से 500 रुपये चार्ज करेंगे वो लोग लेबर के साथ। इसके उससे अच्छा तो आप खुद ही बदल लो, 200 रुपये में काम हो जाएगा, 200 रुपये एक्स्ट्रा देने से अच्छा। सो यही काम खुद करो यार, थोड़ा सा खुद भी करना चाहिए, क्योंकि पता चले यार बाइक में क्या फॉल्ट है क्या नहीं है, कब किस इस मतलब कब अपन खुद इसको रिपेयर कर सकते हैं नहीं कर सकते, चेंज कर सकते नहीं कर सकते, ऐसा थोड़ा थोड़ा काम खुद करते रहना चाहिए। और स्पेयर पार्ट कहाँ मिलते हैं वो अपने नज़दीक में कहीं भी किसी से मतलब किसी भी गैरेज वाले से पूछ सकते हो। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू गाइस। सो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।